सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाए। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मुक्तल करता हूँ आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत कर रहे हैं 25 सितंबर 2018 की इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट का। देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट, साथ में देखेंगे निफ्टी का इंट्राडे टेक्निकल क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट से। पहली दोस्तों अपडेट आ रही है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक से। भैया इनको मिला है लगभग 560 करोड़ रुपए का टेंडर। ये जो टेंडर है कंपनी को BSNL कंपनी से मिला है। इसके तहत कंपनी को पूरे भारतीय रक्षा नेटवर्क के लिए हाइब्रिड माइक्रोवेव ब्रॉडबैंड रेडियो लिंक की योजना डिजाइन करनी होगी। साथ में इस कंपनी को इसका टेस्टिंग प्लस इसका रखरखाव जो है वो सब कुछ इसमें करना होगा। और शेयर जो है दोस्तों आज 3.42% की बढ़त के साथ दोस्तों देखने को बंद हुआ। अब देख लेते हैं इंफोसिस के ऊपर जो न्यूज आई है आज की। अमेरिका दूर संचार कंपनी वेरिजोन से इनको टेंडर मिला। ये टेंडर जो है 70 करोड़ डॉलर्स में इनको मिला है और इसमें इंफोसिस और वेरिजोन के बीच आउटसोर्सिंग करार हुआ है। इस करार के तहत कंपनी वेरिजोन को आईटी के कामों के लिए सेवाएं प्रदान करेगी। और इंफोसिस का दोस्तों जो शेयर है आज वो 1.08% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है BHEL से। BHEL ने अमेरिका की कंपनी बेबकॉक पाउडर के साथ करार किया है। इसके तहत कंपनी DNOX के लिए सेलेक्टिव कैटालिक रिडक्शन सिस्टम तैयार करेगी और जो शेयर है वो 1.36% की बढ़त के साथ दोस्तों बंद हुआ। लास्ट दोस्तों आज का अपडेट आ रहा है दिलीप बिल्डकॉन से। भैया 601 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। ये टेंडर जल संसाधन विभाग कोटा से मिला है। कंपनी को चरण ए के तहत नई EPC परियोजना नवनेरा बांध के लिए मिला है। शेयर 5.14% की गिरावट के साथ दोस्तों बंद हुआ। अब देख लेते हैं निफ्टी का इंट्राडे टेक्निकल क्या कहता है। दोस्तों दो लक्ष्मण रेखा हमने लास्ट टाइम लगाई थी और ये जो दोनों लक्ष्मण रेखा है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो मार्केट पहले नीचे गया, तो अगर आप नीचे का ट्रेड लेते तो वह स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं यहाँ हिट हो जाता। तो आज के दिन दोस्तों बनी लॉस की स्थिति। और अब देख लेते भैया कल यानी 26 सितंबर 2018 कैसा रह सकता है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है कि आज का जो हाई है वो एक बैटरी रेजिस्टेंस है और ये जो लेवल बनता है नीचे वाला ये वाला लेवल ये एक बैटरी सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं एज ए डेमो ट्रेडिंग। और जो ऊपर का लेवल है वो है 11,080 का, अगर इसको तोड़ता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। और जो नीचे का लेवल है वो है 11,004 का, इसको तोड़ के अगर नीचे जाता है तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। स्टॉप लॉसेस ये दोनों लाइनें रहेंगी, अगर ऊपर जाता है तो नीचे वाली लाइन स्टॉप लॉस है, अगर नीचे जाता है तो ऊपर वाली लाइन स्टॉप लॉस है। तो एज ए डेमो ट्रेडिंग एज ए पेपर ट्रेडिंग इसको वॉच करिए देखिए क्या रहता है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय दोस्तों।